इस वक्त हम खड़े हैं खजुराहो में बने आदिवर्त में। घटा गोबर से इसे चिकना होता है। आदिवर्त एक ऐसी जगह है जहाँ पहले कछु न हतो, और आज आप देख रहे बुंदेलखंड की बहुत अच्छी चीजों से सजाओ गो है, बुंदेलखंड की पुरानी चीजों से सजाओ गो, और बुंदेलखंड का बतावे के लाने बाहर से आने वाले लोगों का बुंदेलखंड की पहचान कैसे हो, इन सब चीजन के लाने बतावे के लाने तमाम चीजें इतने पर रखी गई हैं। और एक उद्घाटन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करो गो, और तब से लेके जो बहुत प्रसिद्ध है, लोग देख भी के लाने उत्सुक रहते हैं। आप दिखवा दें आपका यहाँ पर एक जो कुटिया आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इनका उपयोग क्या क्या रहा होगा पहले के समय में, और आज जब ये चीजें दिखाई जा रही हैं तो लोगों को कितनी उत्सुकता रहती है जानने की और देखने की भी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, और जानकारी के लिए तो यहाँ लिखा भी है, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें शायद पुराने जमाने में कुछ रखने के काम आती रही होंगी। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ है जो कोठी है, इसमें पहले के समय में दाल चावल या अन्य चीज़ें जो भी महिलाएं रखना चाहती थी वो रखती थी। पहले के समय में जीना नहीं होते थे, सीढ़ियां नहीं होती थी, तो इस नसेनी के माध्यम से लोग ऊपर चढ़ते थे। छत नहीं हुआ करता था, अटारी हुआ करती थी जो कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये डबल मंजिल हो गया जिससे ठंडक हुआ करती थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले चप्पल नहीं पहनते थे, पहले ये पहनते थे पावड़ी जिनको कहते हैं, पटा पे बैठते थे। ये सारी चीजें हैं, नुकीली है क्या ये? नहीं, वो शायद अभी कोई अभी, हाँ अभी के लिए है वो सारी चीजें। और ये पुराने समय की ये कुल्हाड़ी कुदारी, ये सारी चीजें खेती के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रखी गई हैं। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और जो पुरानी चीजें वो लुप्त ना हो उसके लिए ये सारी चीजें हैं। ये अगर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ खेतों के लिए इसको यूज किया जाता रहा होगा, और घर में भी कोई भी चीज रखना है तो यूनिक चीजें ऐसी रखते थे कि लोग पहचान जाए। ये सूपा है जो कि गेहूं वगैरह महिलाएं साफ करती थी, आज भी करती हैं गेहूं वगैरह इसी से साफ। मशीनों का उपयोग अभी तो कम होता है, लेकिन हाँ पहले ज्यादा होता था। इनमें गेहूं वगैरह धो के रखने का काम किया जाता था। ये क्या है? इसका उपयोग तो मुझे नहीं, हाँ हाँ तीर चलाने वाला, ये बाहर इसका शायद टांगने के लिए भी रखा है। ये जो चीज है ना इसमें तीर रखने का काम, इसमें रखने का काम होता था तीर, और वो चलाने के काम आता था। इसके बाद पहले लाइट नहीं होती थी, ये जो चीज है अपन आज अलमारी कहते थे, पहले इसको बुंदेलखंड में आरा कहते थे कि आरे में डब्बी रखी है, ये डब्बी होती थी, इसमें तेल भरते थे, मिट्टी का तेल भरते थे, और उसके बाद इसमें जो है जलाते थे, उजेला होता था इससे। इसके बाद ये जो चीज़ है ये भैंस गाय को जानने के लिए कि हमारी भैंस आ गई है, उसको उनको जानने के लिए उनके गले में पहनाने वाली चीज़ है, इसको खटखटा कहते थे, कहते थे क्या कहते हैं बुंदेलखंड में, खटखटा बोलते हैं इसको। इसके बाद अंदर आते हैं, ये है, इससे महिलाएं गेहूं पीसा करती थी। पहले 4 बजे उठ के सुबह से गेहूं पीसने का काम डेली पीसती थी, डेली धुलती थी और डेली बनाती थी, उसके बाद खाना बनता था। ये कुदारी है, ये भी खेती के काम आती थी, दाएं करने के अनाज वगैरह करने के काम आती थी। और ये सारी चीजें ऊन से बनी हुई हैं, निवार से बनी है, निवार से, हाँ निवार से, हाँ मुसी का जो बुंदेलखंड में अभी उसको क्या कोविड के समय में जो कहते थे कि भैंस को या गाय को मुसी का, वो उसी का उपयोग करते थे। ये सारी चीजें और क्या है, ये रस्सी है, ये भैंस या हाँ बांधने के लिए, गरबा पशुओं के लिए उपयोगी होता था ताकि पशु जो है वो छूटे ना। ये पेड़ी है, बैठने के काम आती थी, लोगों को बैठने के काम आती थी, पहले इसी तरीके की बनाते थे रेशम वगैरह से। ये चीज क्या है? ये तो ये भी शायद गेहूं वगैरह बनाने के काम आती थी, ढेकी धान कूटने के लिए उपयोगी होती थी, धान वगैरह कूटने के लिए। ये धान कूटने के लिए मतलब जैसे साफ करने के लिए जो उसमें छिलके होते उसको हटाने के लिए ये काम आती थी पहले के समय में, मूसर। उसके बाद क्या है, इधर बहुत सारी चीजें। अरे वाह यार, ये तो वो है बुंटिया, ये तो अभी भी कई गांवों में नहीं, अभी भी होती है, इसकी खेती होती है बुंदेलखंड में, इसकी खेती होती है और मौसमी वो है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बुंटिया कहते हैं। टांगने की जो टेक्निक है ये अभी भी कई जगह हाँ रहती है, लहसुन तो सभी परिचित ही है। ये मटके रखे हैं, पहले ऐसे मटके रखते थे गाँव में पानी के लिए, इसमें बहुत ठंडा पानी होता है, आज भी होता है बहुत सारी जगह, आज भी होता है। और ये मटके जो है इनको रखने की व्यवस्था इसी तरीके से स्टैंड बना के रख दी जाती थी। फिर क्या है,
ये तो डिजाइन है, ये स्पेशल ना नवरात्रि के समय में जो नौरता बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, उस टाइम महिलाएं जो लेडीज होती है वो नौरता बनाती थी और इस टाइप की डिजाइन बनाती थी। ये वैसे बुंदेलखंड में सजावट के लिए महिलाएं बनाती थी और बहुत सुंदर करने के लिए अपनी दीवारों को बनाती थी, जैसे सिलार कोठी इसमें लिखा है, कोठी बनाती थी, गेहूं वगैरह रखने के लिए भी बनाती थी। और क्या है, ये पूरे कोठी बनी, हाँ हाँ, उसके अंदर डाल देते थे, जैसे ये है ये सारी चीज, हाँ ये तो वही है, ये वही चिमनी वगैरह, डिब्बी, जैसे बुंदेलखंड में इसको डिब्बी कह देते थे। ये इन्होंने कांच की बोतल से बनाया है और इसका उपयोग कोई भी कांच की बोतल से कर लेते थे। ये आप छोटे छोटे कप, मिट्टी के कप हैं, पहले मिट्टी के कप से चलते थे, अब चीनी मिट्टी के आ गए। उर्सा, बेलन, चमचा, ये जो है ये बिजना है, इसको हवा करने के काम आता था, बुंदेलखंड में बिजना कहते हैं। सारी चीजें ये खाना बनाने के उपयोग में आती हैं, जो भी सारी चीजें, कप वगैरह, ये सूपा गेहूं वगैरह बनाने के लिए काम आता है, आज भी महिलाएं बनाती हैं, अभी भी इसका उपयोग है। ये तो वही है, मूसर वगैरह, खटिया वाले में। ये तोता तो पालने की, ये तो लिखा ही नहीं, क्या लिखा है, क्या? झूमर है, नदियों में छोटी मछली फंसाने के लिए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये झूमर है, मछलियां वगैरह फंसाने के लिए, जो भी नदियों में छोटी मछली होती है उनको फंसाने के लिए। ये रस्सी है, खेती के लिए उपयोगी होती है। ये जो है वो क्या है, कुर्रू, छोटी मछली फंसाने के लिए ये भी उपयोगी होती है, मछली वगैरह, हाँ मछली वगैरह फंसाने के लिए काम आती है। ये कुल्हाड़ी, इससे तो सभी परिचित ही होंगे कुल्हाड़ी से, और ये भी वही धान और गेहूं पीसने के लिए, चक्की, छोटी चक्की होती थी। ये चारपाई, ये चारपाई है, इसका बहुत उपयोग है बुंदेलखंड में और गांव में स्पेशल आज भी उपयोग है। ये छोटी पैड़ी कह सकते हैं इसको, छोटी खाट भी कह सकते हैं, छोटी चारपाई भी कह सकते हैं। ये सिलबट्टा, चटनी वगैरह पीसने के लिए, हाँ ये बुंदेलखंड में कम देखने, क्योंकि मिक्सी का उपयोग जब से होने लगा है तो कम देखने को मिलती है, गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी रखी गई है सिलबट्टा। ये अपन इसका उपयोग उसमें करते हैं, आग वगैरह जलाने के लिए करते हैं। ये है कोल घर, कोल घर आप देख सकते हैं, मिट्टी घास फूस से बने होते थे, जो मढ़िया या झोपड़ी भी इनको जो है हम लोग कहते थे। आप देखेंगे कि हर यहाँ पे जितने भी घर हैं उन सब घरों की डिज़ाइन अलग अलग है, और अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग परिवेश में अलग अलग ढंग से जो है रहते थे। और ये एक बहुत ही एक ऐसी विधा बोल सकते हैं लोगों की, जो अलग अलग ढंग से जो रहने का जो उनका लाइफ स्टाइल था, उस हिसाब से यहाँ पे सभी आपको घर मिल जाएंगे। कैसे पुश्तैनी लोग अपने समुदायों के साथ अलग अलग डिज़ाइन के घरों में रहा करते थे। सामने आप एक कुआं देख सकते हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे समाज से, हमारे गांवों से भी, यहाँ तक कि जब से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बोरवेल का सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद से ये कुएं वाली प्रथा हमारे गांवों से ख़त्म होती चली गई। ये पूरी तरीके से एक ओरिजिनल कुआं है, जिसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आधुनिक रूप दिया गया है और एक खूबसूरत कुएं के रूप में मौजूद है। हम आपको एक और गांव दिखाएं, गांव का घर दिखाएं, बेसिकली बैरा प्रजाति का क्या, बैगा प्रजाति क्या था, मतलब क्यों ये मशहूर थे, इनके घर किस तरीके से डिजाइन होते थे, कुछ बता सकते? बैगा जनजाति एक गांव क्षेत्र का जनजाति है, ये शहरी से ना होके जंगली इलाका में है। इनकी जनजाति अपने मध्य प्रदेश में डिंडोरी और अनूपपुर ज़िले में पाई जाती है। इनका घर आप देख सकते हैं, बेशक, और ये अपने सुरक्षा की दृष्टि से घरों के चारों ओर लकड़ियां गाड़ देते हैं, जिससे जानवरों से सुरक्षित रहे। जंगली इलाका में, पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास रहता है, आप देख सकते हैं। चलिए, बेगा घर,
बैगा घर। बैगा घर टोलों में सारे घर एक बीच की खाली जगह के इर्द गिर्द बनते थे, यानी सब घरों को मिला जुला खरना या आंगन देखने को मिल जाता था। इसके बीच में शाम से आग जलाई जाती थी। घर थोड़ा सा डिफरेंट आप देख रहे हैं, अपने अपनी तरीके से लोगों ने बना के रखा है। जैसे आज के समय में भी लोग अपनी पसंद से बनवाते हैं, वैसे ही अलग अलग जातियों ने अलग अलग तरीके से। लेकिन एक विशेष चीज़ अदर जगह से मिली है, ये चूल्हा है जिसमें आज भी गाँव में रोटियाँ बनाई जाती हैं, और इसकी रोटी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है ऐसा कहा जाता था और वास्तव में होती है। बाकी सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है। और जो ये घर की बनावट है आप देख रहे हैं, चारों लकड़ियों से इन्होंने सजाया है, सजाया कह लें या फिर कह लें कि सुरक्षा रखी है। एक ये और चूल्हा है सर, ये डबल वो था, ये दो 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 जगह से इसको खाना बना सकते हैं, यहाँ पे भी खाना बना सकते हैं, वहाँ पे भी, मतलब दो चीज़ें अगर एक साथ बनानी है जैसे अपन गैस में बनाते हैं इसको, इसको हाँ नहीं सुअर कोटना तो ठीक है, बाकी एक मतलब इसको दूसरा चूल्हा बोलते हैं मतलब, या ओला चूल्हा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, कि जानवरों के लिए खाना बनाने के लिए होता था। जरूरी नहीं जानवरों के लिए, वो तो दो जगह से उसमें वो होता है टेम्परेचर, दो लोगों के लिए बनाते हैं। जैसे कोई चीज़ है चावल बनाने तो उस साइड रख दिया, रोटी इस साइड सेक ली, इस टाइप से दो चीज़ें इस पर एक साथ बना सकते हैं ऐसा था। ये मटके नई नई डिजाइन के, ये क्या चीज है, ये झोपड़ी है, मतलब ये एक तो खेतों में भी देखने को मिलती है और आप देख रहे हैं इसके अंदर जानवर भी बनाए गए हैं। हाँ हाँ ये देखो जानवर हैं इनके, ये जो है इसको बुंदेलखंड में डोड़ा कहते हैं, डोड़ा मतलब इसमें पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, आटा डालते हैं और भैंस गाय को पिलाने के काम आता है। ये हर जगह गाँव में देखने को मिल जाता है लगभग, जानवरों को हाँ जानवरों की सुरक्षा के लिए, जानवरों को पानी वगैरह पिलाने के लिए, खिलाना है पिलाना है तो इसमें डाल देते हैं, उनका बर्तन कह सकते हैं हम, ये इसको डोड़ा कहते हैं बुंदेलखंड में। ये जो मतलब ये पिंजरा टाइप इसको बोल सकते हैं, हाँ इसको हम क्या कह सकते हैं, पिंजरा बोल सकते हैं, हाँ पिंजरा कह सकते हैं, बाकी ये अच्छा ये डोंगी, डोंगी तो ये इसको बोलते हैं, बाकी इसके अंदर जानवरों को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ हाँ पिंजरा बोल सकते हैं, हाँ हाँ उनका घर कह सकते हैं, जानवरों को दिखाया भी जा रहा है, हाँ जानवरों को दिखाया भी जा रहा है कि अंदर इस तरीके से रहते थे। बाकी डिजाइन तो घरों की है ही बहुत सुंदर सी। ऊपर जो ये है खप्पड़ वाले हैं, खप्पर आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ ग्रामीण इलाकों में, हाँ ग्रामीण इलाकों में भी अब मिल गए हैं, कम देखने। बाकी सरकार की तमाम योजनाओं के बाद जो उनको लेंटर वाले घर मिल गए हैं तो अब ये चीज़ें कम हैं। और ये बहुत सुंदर सा छोटा सा स्विमिंग पूल, तालाब कुछ भी कह लें, हाँ कहाँ है मछलियाँ नहीं है, हाँ बस एक एक हाँ है, कछुआ जरूर दिखा दो सर, कितना प्यारा लग रहा है, लकड़ी से बना है, बावड़ी है ये बावड़ी, चलो बुला रहे हो, इसके बारे में बोल दो थोड़ा सा, किसके ये भी घर ही है, किसका घर है ये बताते हैं, ये डिजाइन सबकी अलग अलग है, हाँ कोरकू घर है। और इसको इसके बाहर भी आप देख रहे हैं चूल्हा बना हुआ है, कोरकू घर आमने सामने कतारों में बने कोरकू घरों के मोहल्ले को ढाबा कहते थे, ढाबा माना जाता था। चार ढालों वाले कोरकू घर का मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर होता था, ये विशेषता रही है इस घर की। और आप देख भी रहे हैं उत्तर की तरफ इसका भी मुँह है और अच्छा लग रहा है। ये झूला पुराने समय का जो झूला होता है वो ये है, अच्छा है पुराने समय का ढाबा बोलते हैं, हाँ ढाबा कह सकते हैं इसको। और ये हल है, पहले खेती इससे होती थी, हल से जुताई वगैरह जो होती थी, आज ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं लेकिन पहले हल से होती थी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।